सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ड्यूक 250 टूरिंग पर्पस के लिए अच्छी है, क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस पे ये खरी उतर पाएगी। मैं पहले बता दूं कि मैंने इस बाइक पे 3 बार 850 किलोमीटर से ज़्यादा एक दिन में मैंने सफ़र किया है। सो मुझे एक अच्छा खासा आइडिया है कि क्या दिक्कतें आती है एक लॉन्ग टूर पे इस बाइक में। सबसे बड़ी बात जो होती है किसी भी एक मशीन की, वो होती है पोस्चर। उस पर जो है हमारा सिटिंग पोस्चर जो है वो कैसा है। इस बाइक की बात करें तो सिटिंग पोस्चर जो है अपराइट पोजीशन है। अगर आपकी हाइट 5'7" से लेके या फिर 5'10" के आसपास है तो बहुत ही कम्फर्टेबली आपके हाथ जो है नीचे इसके पहुंच पाएंगे हैंडल तक, और आप कम्फर्टेबली इस बाइक को राइड कर पाओगे। पोस्चर में दूसरा पॉइंट जो है इसके फुटपैग्स। इसके फुटपैग्स जो है थोड़ा सा स्पोर्टी बाइक है तो एग्रेसिव है, थोड़ा पीछे की साइड में है, तो लॉन्ग राइड्स पे आपको अपने पैरों की स्ट्रेचिंग वगैरह करनी पड़ेगी तो आप कंफर्टेबल रह पाओगे। जो दूसरा पॉइंट है आज का हमारा वो है इंजन। तो इंजन जो है 250 cc, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा मैं क्योंकि ऑलरेडी आप सब अगर इस बाइक के बारे में सर्च कर रहे हो तो आप लोग को वो सारी चीज़ें पता होंगी। कैसा परफॉर्म करती है रियल लाइफ में वो आप मेरे से सुन लो। बाइक जो है हाईवेज पे बहुत ही अच्छी है। तो एवरेज स्पीड बताऊँ तो 100+ आप इजीली 100 to 110 आप इजीली इस पर क्रूज़ कर पाओगे, तो एक आपको अच्छा खासा क्रूजिंग स्पीड मिल जाता है इस बाइक पे। दूसरी बात ये है कि बाइक में पावर अच्छा है तो आप ओवरटेक भी कर पाओगे। अगर कहीं ओवरटेक का सिनेरियो आता है, किसी को ओवरटेक करना है, तो आप इजीली ओवरटेक भी कर सकते हो। और रही बात तो इस बाइक का मिड रेंज अच्छा है, हाई एंड ठीक है, और जो लो एंड में परफॉर्म करती है ट्रैफिक सिचुएशंस में। अभी मैं देखो 20 पे चल रहा हूँ सेकंड गियर में, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो इतना ज़्यादा पावर भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ट्रैफिक में। सो उस पर्पस से देखा जाए तो इंजन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म करती है। तीसरी चीज़ जो है हमारी सेफ्टी पर्पस से ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग की बात करें तो इस बाइक की ब्रेकिंग जो है बहुत ही अच्छी है। सीरियसली 2-3 बार मुझे बचा चुकी है टू बी ऑनेस्ट। मेरी गलतियों से नहीं, सामने वाले की गलतियों से लोग कूद जाते हैं कहीं से भी। यार हैंडलिंग की बात करें, हैंडलिंग है सुपर है यार, कॉर्नर्स में बिल्कुल ऑसम है। आपके पास कैसा भी टर्न हो बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ आप उसको टैकल कर पाओगे, और इसकी कॉर्नरिंग जो है बहुत ही अच्छी है। सो उस मामले में भी मैं से एक अच्छा ऑप्शन मानूंगा। बात करते हैं फ्यूल कैपेसिटी की, तो इसका जो टैंक है वो 13 लीटर्स का है, और जो माइलेज है अराउंड हाईवेज पे आपको 35+ के आसपास मिल जाएगा। 250 से लेके 300 किलोमीटर्स डिपेंडिंग ऑन द राइडिंग स्टाइल आपको एक रेंज देती है ये। सो उस हिसाब से भी ठीक है, 300 किलोमीटर्स का स्ट्रेच बहुत ही अच्छा होता है आई थिंक टूरिंग में। आपको इसके अंदर पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा, हालांकि अगर लेह लद्दाख की बात करें तो आपको ऑब्वियसली वो तो किसी भी बाइक के साथ जाओगे तो आपको एक एक्स्ट्रा जेरी कैन रखना ही पड़ता है। सो फ्यूल कैपेसिटी के मामले में भी अच्छी है। नाइट टाइम में इसका LED हेडलैम्प के साथ आती है BS6, तो इसका जो विजन है वो भी अच्छा है, अबव एवरेज कह सकते हो, मतलब बढ़िया है। अगर आप एक सर्दियों में फॉग लैम्प लगा लोगे तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट इसका जो नाइट विजिबिलिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। बात करते हैं इस बाइक के प्रॉब्लम्स के बारे में। इस बाइक की सबसे बड़ी दिक्कत है सीट। आप इसको 100 किलोमीटर से ज़्यादा हैंडल नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, आपका बम आपका साथ छोड़ देगा। तो अगर आप, मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप टूरिंग पर्पस से इसको सेलेक्ट कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान में देना कि अगर आपको 200 किलोमीटर से ज़्यादा चलना है एक दिन में तो ऐसा नहीं है आप कर पाओगे हैंडल, बट बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। तो आपको एक राइड ऑन एयर सीट की या फिर एक कुशन सीट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसका सीट बहुत ही गंदा है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इस बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है। तो अब ये ब्रेकर की हाइट देखो, यहाँ पे ना मुझे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, वरना अगर मैं स्पीड में निकालता हूँ या फिर मेरे साथ एक पिलियन है तो डेफिनेटली गाड़ी का जो निचला हिस्सा है वो नीचे ब्रेकर में टच हो जाएगा। अगर आप इस गाड़ी को टूरिंग के पर्पज़ से ले रहे हैं और आपकी टूरिंग में ऑफ रोडिंग शामिल है तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप पिलियन के साथ ट्रैवल करो। सोलो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, बट अगर आपके साथ पिलियन है तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। इसका चेंज हर 200 किलोमीटर के आसपास में ढीला हो जाता है अपने आप। मैंने बात करी सर्विस सेंटर पे कि ये क्यों होता है, उन्होंने बताया कि ये ऐसे ही है और ये हो जाता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। चेंज जब ढीला हो जाता है तो ख़राब रोड्स पे बहुत ही आवाज़ें आती है, खड़खड़ खड़खड़ ऐसा कुछ, मतलब इतना भी नहीं, लेकिन हाँ अगर ख़राब रोड है तो आवाज़ आती है। तो डेफिनेटली अगर आप टूरिंग कर रहे हो और आपकी टूरिंग में ऑफ रोड शामिल है तो आपको बहुत ही इरिटेटिंग आवाज़ें सुनाई देने वाली हैं। इसका जो मड गार्ड है वो भी ढीला होता है और उससे भी आवाज़ें आती ही आती है। सो वो भी एक बहुत ही वियर्ड नॉइजेस क्रिएट करता है और इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आता है। टूरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दूसरी ये सीटिंग के बाद विंड ब्लास्ट।
ये गाड़ी जो है स्ट्रीट फाइटर लुक में आती है, नेकेड बाइक है तो इसमें आपको कोई विंडशील्ड देखने को नहीं मिलता, और उसकी वजह से जो विंड ब्लास्ट है ना हाईवेज़ पे, अगर हाईवेज़ पे हो 80-90 पे चल रहे हो आप और थोड़ा भी विंडी डे है या फिर नहीं भी है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलने को पड़ेगी। ये जो विंड ब्लास्ट है ना जो आपके चेस्ट पे और आपके हेलमेट पे डायरेक्टली हिट करता है, अगर आप इसे एक टूरिंग पर्पज़ से ले रहे हो तो आप कंसिडर कर सकते हो एक विंडशील्ड आफ्टर मार्केट लगाने का, बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर मैं बताऊँ तो मुझे ये बाइक बहुत ही पसंद है और 6 महीने हो गए, लकीली मुझे कोई भी प्रॉब्लम आज तक देखने को नहीं मिली है इस बाइक में, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है जिसकी वजह से आपको पछताना पड़ेगा। ये मेरे 6 महीने तक का एक्सपीरियंस था, मैं ये बता रहा हूँ, इसके आगे क्या होता है मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, स्टे क्यूरियस, राइड सेफ, बाय बाय।